नमस्कार, मैं वेलकम आना संतोष शर्मा, व्हाइट रोज स्पिरिचुअल टीचर में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में आपको शायद जानकारी ना हो। ये है कि रुद्राक्ष का रंग के बारे में। मेरे पास लोग आए कहते हैं कि ये रुद्राक्ष तो काला है, ये रुद्राक्ष सफेद टाइप का दिख रहा है, ये आपका रंग ऐसा है। हमने विगत वीडियो में चर्चा की थी कि रुद्राक्ष के जो शेप के बारे में चर्चा की थी, फिर हमने चर्चा किया साइज के बारे में। ये वीडियो जो है ये है रंग के बारे में, कलर के बारे में। यदि आप पुराने शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है। उसमें ये बताया गया है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी जाति क्या है, कास्ट क्या है, उसके हिसाब से रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा आपको। जैसा ब्राह्मण है तो रुद्राक्ष पहनेंगे जो कि फेयर लुकिंग रुद्राक्ष है। यदि आप शूद्र है, क्षत्रिय है, तो आप डार्क कलर के पहनेंगे। यदि आप वैश्य है तो आप मीडियम टाइप के पहनेंगे, जो कि ना काला हो ना सफेद हो। इस प्रकार के वर्णन आते हैं शास्त्रों में। लेकिन यदि आप साइंस की भाषा में समझे, चीजों को लॉजिकल चीजों को समझे, तो इससे कोई मतलब गलता नहीं है। क्योंकि पहली बात तो है कि जाति के बारे में जो आपकी धारणाएं हैं, वो धारणा के हिसाब से ये बातें नहीं बताई गई है। ज्योतिष के हिसाब से हो सकता है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से निकल सकता है कि आप वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय है। तो जाति जो तय होती है, ये तय होती है कि आपकी जो एटीट्यूड कैसी है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी एप्टीट्यूड कैसी है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो जाति या कास्ट सिस्टम बताया जाता है, वो जिस घर में आप पैदा हुए हैं उससे कोई संबंध नहीं है। तो रुद्राक्ष के अर्थ कहेंगे तो इस प्रकार से उसको जोड़ना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ते नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो जाति प्रथा पहले प्रकार थी, जो जेनेटिकली लोग इनहेरिट करते थे, जेनेटिकल प्रोग्रामिंग वगैरह, वो आजकल नहीं है। आजकल मिक्स मैरिज वगैरह हो रहे हैं, तो सब चीजें मिक्सअप हो गया है। तो ऐसे सेग्रीगेट करना कि कोई ब्राह्मण ही है प्योरली, ये क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, ये बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कलर का रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। और इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक समझ मेरे को नहीं आता है। जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके शरीर के साथ में रुद्राक्ष का एक तालमेल बैठता है, और आपके स्वेट है, आपको कुछ लोग ज्यादा स्वेट करते हैं, कुछ लोग कम स्वेट करते हैं, कुछ लोगों की स्वेटिंग में जो है विभिन्न प्रकार के जो बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, अलग अलग प्रकार सबकी होती है, तो उससे रुद्राक्ष का रिएक्शन होता है। रुद्राक्ष पहने कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। रुद्राक्ष का सोप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो आपकी स्किन है उसका बनावट कैसा है, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द रुद्राक्ष आफ्टर यू स्टार्ट वेयरिंग इट। तो शुरू में आप जो रुद्राक्ष पहने उसका रंग कैसा है, बाद में रुद्राक्ष कैसा हो जाएगा, ये सब बदलता रहता है। तो मेरे ख्याल से रुद्राक्ष के जो कलर है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान ये देना चाहिए कि रुद्राक्ष असली है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लकड़ी का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। आप जानते हैं कि चाइना से काफी रुद्राक्ष आजकल आ रहे हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जो कि लकड़ी के भी बनते, उड़ उड़ के ही बनते हैं। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप ये देखिए उसका यूरिन टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है, ये सही ढंग से सही लेबोरेटरी से हुआ भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो नकली लैब टेस्ट रिपोर्ट ही मिल रहा है। सर्टिफिकेट जैसे आपको BAMA का डिग्री मिलता है सर्टिफिकेट फ्रॉड, ऐसे लैब सर्टिफिकेट ही फ्रॉड मार्केट में मिल रहे हैं। ऑनलाइन में तो इसकी बहुत भरमार है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि रुद्राक्ष कहाँ से खरीद रहे हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है रुद्राक्ष का, जो आपको दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, इसकी जांच करें। और जांच में महत्वपूर्ण यह है कि उसके अंदर में कितने बीज हैं, कितने सीड्स हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि कोई अफ्रीकन हो उसका रंग काला हो सकता है, कोई अमेरिका हो उसका रंग गोरा हो सकता है, कोई इंडियन हो तो मिक्स हो सकता है। रंगों में क्या रखा है, मनुष्य को देखना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। इसलिए रुद्राक्ष को शेप, साइज और रंग इससे नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसको समझना चाहिए, अब रखना चाहिए। आप अधिक जानकारी चाहते हैं रुद्राक्ष के बारे में तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको बहुत सारे मिलेंगे। यूट्यूब संतोष शर्मा, YouTube/SNTOSHSHRMA, तो हमारे YouTube चैनल जो आप देख भी रहे हैं इसी यही चैनल है। इसमें और भी रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे वीडियो उसको आप देख सकते हैं। और रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं हमसे तो हमारे जो वेबसाइट है उसको लॉग इन करें, www.whitelotusspirituality.com। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com।
संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।